बोल दो, नारा लगा दो, भारत माता की। क्या करेंगे हम, नोटा दबाएंगे। बड़े आदमी बना है, अभी उन नहीं मिलेगा छोटा मोटा से। चाचा के लिए जान दे दूंगा। चुनाव के समय भी धर्म के अनुसार नहीं देना चाहिए। हरा देंगे, जनता बोल रहे हैं हरा देंगे। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कई योजनाएं किसानों को लेकर शुरू की। उसमें से एक योजना थी गौठान की योजना। बस्तर में तमाम इलाकों में मैं गौठानों में घूमता रहा हूं और वहां की तस्वीरें आपको दिखाता रहा हूं। आज मुझे लगा कि इस बोट यात्रा के दौरान जब मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इलाके में हूँ, पाटन के इलाके में हूँ, तो यहाँ पर भी एक गौठान पर मेरी नज़र पड़ी। मुझे लगा इस पर भी हम बातचीत करें। गांव के कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी बताएंगे कि क्या हालात हैं यहां के और क्षेत्र के। ये पंचायत है जिसका नाम है खमरिया और इसका आश्रित गांव है कुरुट डी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पैदाइश गांव है कुरुट डी और ये यहाँ का गौठान है। गौठान में जब मैं आया तो मेरा ध्यान इसलिए यहाँ पर गया क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तब यहाँ कोई नहीं था और वहाँ दूर पर एक गाय मरी पड़ी हुई थी। हालांकि वो मैं आपको तस्वीर में नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन गाय वहाँ मरी पड़ी थी। तो मुझे लगा कि यहाँ आकर देखूँ कि गौठान की क्या स्थिति, क्योंकि बस्तर में मैं आपको तमाम अलग अलग क्षेत्र के गौठान दिखा चुका हूँ। पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर और इलाकों को दिखाऊँगा। भैया आपका, दादा क्या नाम है आपका? मेरा सालिक राम महिला। सालिक, सालिक दादा, सालिक राम महिला। क्या करते हैं आप? मैं मेसन लाइन में काम करता हूँ। किसमें? मेसन लाइन, मेसन लाइन। मिस्त्री काम करता। अच्छा, मिस्त्री काम करते हैं। काम करता। तो खेतीबाड़ी? खेतीबाड़ी नहीं हमारे पास। खेतीबाड़ी थोड़ा बहुत होगा? नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ घर कहाँ है आपका? हमारा घर है गांव है। गांव में? तो दादा क्या लग रहा है, जोर किसका दिख रहा है चुनाव में इस बार? ये तो भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है, भरोसा है, भरोसा है। ठीक रहा सरकार 5 साल? बहुत बेस्ट। क्या अच्छा लगा दादा, कुछ बताओ। हमको ये लगा कि हमारे पास खेती नहीं है तो हमको कम से कम 7,000 दे रहा था साल का 7,000 यस हमारा आ गया खाता में। काक से निकालते थे पैसा महीना महीना में, दो दो तीन तीन बार करके, 7,000 हमको दे रहा था। अभी भैया ने बोला 10,000 एक साथ दिया? नहीं नहीं, 3 किस्त में दिया। अच्छा अच्छा हमारा त्योहार में उसमें दिया पैसा। और क्या क्या? और किसानों को दे रहा है 2800 में लिया और 2500 रुपए कुंटल धान खरीदा। ये किसान लोग का, उसी का किसान लोग धान बेचेंगे उसी में हमको फ्री में चाउर दे रहा है। और क्या चाहिए अपन को? मतलब ठीक था सरकार? सब ठीक। और क्षेत्र में विकास और रोजगार ये सब को लेकर क्या काम हुआ? सब चीज अभी रोजगार में, अभी अब जाम गांव हमारा खोला है भैया जी। क्या खुला है ये? वो अपन फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ ये जाम गांव में, जाम गांव में बन रहा, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। अच्छा, उद्घाटन नहीं हुआ है अभी? तैयार है, बन के तैयार है। कब बना? अगले साल पूरा कंप्लीट होगा। काम चालू है, काम चल रहा है, चल रहा है। क्या फूड प्रोसेसिंग है? वो फूड प्रोसेसिंग वो जो हमारा आदिवासी भैयाओं का जो ये मिलेगा ना, वो क्या बोलते हैं, बीज बीज। क्या बीज? जैसे कोई भी बीज किसान अपन डालते ना बीजा, वो भी मिलेगा, उसको खरीदेंगे, वो यहाँ सब जाम गांव आएगा। जाम गांव यही पाटन में? पाटन में विधानसभा अपने क्षेत्र में भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी। उसमें क्या है, मतलब क्या बीज खरीदेंगे? जैसे अपन धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तिवरा खरीदते हैं, वो सब अपन बघेल जी के माध्यम से ले लेंगे। वहाँ आएगा, वो सब क्षेत्र के सब सब चीज बीज मिलेगा। क्या क्या आदिवासी क्षेत्र का? आदिवासी क्षेत्र में जैसे किमली बीज और क्या बोलते है उसको, अरे क्या बोलते है, हाँ रागी फागी सब खरीद के यहाँ जाएगा, यहाँ से हमारा देश में जाएगा राई तिली सब। यहाँ यहाँ गौठान में क्या है स्थिति, क्या क्या होता यहाँ गौठान में? तो संपूर्ण है हमारे गौठान में, हमारे गौठान में कोई कमजोरी नहीं है, हमारे गौठान में कोई कमजोरी नहीं है बघेल जी के कार्यकाल में। और हमारे गाँव के समिति लोग भी सक्षम है और सार्थक है, सब खाद वाद सब बना। महिला समूह यहाँ डेली आता है, कुछ होता है तब वही लोग भीड़ के ना ऐसे ऐसे कर लेते हैं। वो गाय तो अभी पता नहीं कैसे खत्म हो, हमको लोग खींच। डॉक्टर डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर लोग आते हैं? हाँ डॉक्टर भी आते हैं, शासकीय डॉक्टर आते हैं भाई। हाँ स्वास्थ्य केंद्र का गौवा माता मन के स्वास्थ्य केंद्र रायपुर से शुक्ला जी भी आते, रायपुर से शुक्ला जी आते, आश्रम
शुक्ला जी आश्रम के विवेकानंद आश्रम देखकर डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर है महेश गौशाला के, मतलब छत्तीसगढ़ के पूरे प्रभारी भाई वो भी आते। इसका क्या हाल चाल है? किसके? विजय बघेल जो खड़े हुए, आप देखो भाई जिसका जिसका राज है उसमें राज में हम कह नहीं सकते न बता नहीं सकते, लेकिन हमारे विजय बघेल के छोड़ हमारे भूपेश बघेल हारेंगे नहीं, आपको संपूर्ण बता रहे हैं। और इनका क्या हाल है अमित जोगी का? अमित जोगी तो नहीं पाएंगे, 10 करोड़ लिया ना किससे? किससे? अब किससे लिया? आप लोग खुद जानते हो, बढ़िया चीज बता, आप लोग खुद जानते हो। अरे दादा 10 करोड़, दादा मेरे को बोलने का मत बोलिएगा, बोलो तो बोलो। 10 करोड़ अमित जोगी ने एक से लिया, 10 करोड़ एक से लिया, मतलब 20 करोड़ कमा लिया। कहाँ लगा रहे? एक मिनट सुनना मेरे को बोलने दो, अच्छी बात बोल रहा हूँ। अब वो अपना मैया को, मतलब माताजी को, अब अपने पत्नी को इसी पैसे में वहाँ लड़वा रहा है। आप मर वहीं से लड़ते जी, जोगी जी वहाँ से पाटन काहे के लिए आए भैया? वोट वोट मिलेगा कि नहीं? कुछ नहीं है, 0% सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा, सन्नाटा 1000-2000। अरे कुछ नहीं तो हाँ हो सकता है, 1000-2000 तो कोई भी काट सकता है, मैं भी लड़ूंगा तो मैं भी 1000-2000। लेकिन पैसा मिला है, लेकिन उसको 10-20 करोड़ मिला है, उसको पक्का एकदम गारंटी के साथ। अब उसको कहाँ लगा रहा है? अपने मैया अपने पत्नी के लिए। अच्छा आप मरवाई से लड़िएगा, जोगी जी कितना बड़े नेता था, एक मिनट एक सेकंड, जोगी जी कितना बड़े नेता था, बहुत बड़े, हमारा मुख्यमंत्री, यस कांग्रेस का प्रवक्ता था भारत देश का, उतने नेता के बेटा पाटन में आके लड़ रहे उलझाने के लिए, याद पूरा भूपेश है। कहाँ ले जाओगे भैया? ये याद यहाँ डालते हैं, गड्ढा खोदेंगे, दफनाओगे? गाय है क्या? यह गाय है कि बैल? नहीं नहीं गाय है, नहीं नहीं गाय है कि बैल? गाय है। अरे यार ऐसी करते हैं हम लोग देहात में, मत इसको नहीं डालने का गुरुजी, कभी नहीं डालने का कैमरा। भैया गाय की मौत हो गई है और इसको कुछ युवा है गांव के ही आप लोग? यस सब लोग गांव के, तो ले जा रहे हैं उसका गौठान के, मतलब जेसीबी आगे उसको दफनाएंगे। हाँ उसको दफनान नहीं दफनाएंगे, उसका अंतिम संस्कार होंगे वहाँ करेंगे ना, वहाँ हमारे जगह रखते हैं। आज गोवर्धन पूजा है और ये बहुत दुखद है कि आज एक गाय की मौत, इसको एक खिलाया भी खिचड़ी वगैरह भी खिलाया हम लोग। अच्छा उसके बाद ठीक है सब किया। तो ये जो है इस गांव का गौठान है और इन लोग बता रहे हैं गांव के लोग कि यहां गौठान में सब स्थितियां ठीक हैं। गांव में गौठान में जिस तरह से गोबर है उसे देखकर लग तो रहा है कि यहां पे जानवर रहे होंगे। आज गोवर्धन पूजा है तो बता रहे हैं कि यहाँ पे सारे जानवरों को खोल दिया गया है और छोड़ दिया गया है। देखते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है। वहाँ पे सोलर प्लेट लगा तो हुआ है, हालांकि उसमें एक प्लेट चोरी हो गया है और गौठान में एक गाय मरी हुई थी। अभी हम लोग आए देखे तो फिर हम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हुए थे, फिर कुछ युवा आए और वहाँ से ले कर चले गए। यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और कुछ कुछ टंकियों में वर्मी कंपोस्ट के खाद तो पड़े हुए हैं, कुछ खाली भी हैं, दिखा दो। और असल में गौठान बहुत महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। बस्तर में मुझे लगा कि ये वहाँ की स्थिति वहाँ के हिसाब से ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो ये इलाका थोड़ा सा किसानों का समृद्ध इलाका है, तो यहाँ की क्या स्थिति है इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। वहाँ पे शेड बनाए गए हैं वो खाद बनाने के लिए। ये क्या है? बीमार पशु शेड। ये आज गोवर्धन पूजा था तो इसलिए पूजा किया गया। ये क्या है? बीमार पशु शेड। यहाँ इलाज होता है? अच्छा यहाँ पे इलाज करने के लिए बनाया गया है और टंकी है उसमें पानी पीने की व्यवस्था है। ये यहाँ पे गोठान है, यहाँ पे जो बीमार पशु हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे इलाज होता है। और एक गाय की मौत हुई आज बता रहे हैं कि आज जो सुबह लोगे उसको खिचड़ी भी खिलाए गांव वाले, उसके बावजूद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर आते हैं गांव वालों का कहना है। और यहाँ पे शेड बनाया जा रहा है, टंकी है जिसमें पानी की व्यवस्था है। बाकी और क्या क्या व्यवस्था है गौठान में दादा? पूरा टोटल कोई चीज़ कमी नहीं सर? नहीं नहीं है, क्या क्या कमी नहीं हो तो ठीक है। और नहीं कमी और चाहिए हम लोग को, चारा की व्यवस्था थोड़ा ज्यादा। हाँ यहाँ पे तो चारा का क्या है व्यवस्था यहाँ पे? यहाँ पे है कुट्टी उट्टी वहाँ रखे हैं। कहाँ? वो यादव भवन में, वहाँ से ला के यहाँ देता है। लेकिन भैया से, भूपेश भैया से एक और निवेदन, मोर
चारा को बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा कम पड़ता है, कम पड़ता है। उसको बढ़ाना जानवर होंगे यहाँ पे? यहाँ तो वो जो उलाता है तो 200 रीस, अभी डेट में लगभग 200 जानवर रीस है जो आवारा पशु ये नहीं लगा है। बर्दिया बर्दिया तो जानवर बढ़ जाते तो काकर में हमल मजबूरी में जानवर यहाँ अंदर करना पड़ते, मतलब कोई भी आता है सबको खिलाना पड़ता है। हाँ, वो खिलाना पड़ी। कभी समय आते रहे तो अपन अपन जेब से 150 200 550 से चंदा भी करना पड़ता है। आप लोग करते हो? हाँ अच्छा भाई, समिति है तो समिति के देखेंगे। कितने लोग हैं समिति में? समिति में हमारे तो 150 लोग हैं। 150 लोग? हाँ, सब खर्चा के वो तो जीवन ठाकुर को पूछे, वो हमारे प्रभारी है। अच्छा, कौन आप हैं प्रभारी? अच्छा, आप सरपंच? पूर्व सरपंच है वो। अच्छा, गौठान के प्रभारी हैं। क्या माहौल है भैया? ठीक है, सब गांव के सहयोग से आ रहे हैं, गरवा गाय के लिए। अच्छा, हमारे गांव लोग सहयोग देते हैं। चारा कम हो जा रहा है? नहीं, चारा तो है, कटती है वहाँ। चारा नहीं, कम पड़ रहा है वहाँ, कटती है। मैंने बोला कम पड़ा, थोड़ा और बढ़ाना, थोड़ा और बढ़ाना। भैया को बोल रहा हूँ, कट्टी है वहाँ। ये यहाँ के प्रभारी है ना, ये तो करेंगे। फुल मात्रा में वहाँ कट्टी है, अभी भी है। आज क्या त्योहार है, इसी कारण जानवर को हम लोग को किसान लोग बोले कि आज ढील दो, क्या गांव का आज पूजा करते हैं। उसको सर पचा दिया, उनको गैया को सर पचा दिया था। पे वहाँ पर सर पचा यही काटा गया? हाँ, काट दिया था उनको। अच्छा, मतलब बीमार नहीं थी? ना, बीमार नहीं था। अच्छा, आज ही सुबह अभी हम लोग अभी खाना खिला गया, उसके बाद घटना हुआ इसका। तो आज बड़ा गोवर्धन पूजा के दिन दुखद हो गया? दुखद हुआ, सरपंच ने उसको हाथ लगा दिया उसको। अच्छा, बाकी और जो गौठान का जो है सारा व्यवस्था है, खाद वाद बन रहा है? हाँ, खाद बन रहा है, खाद है, जितना गर्मी है उसमें खाद भर रहे हैं। यहाँ कट्टी का व्यवस्था है, वहाँ कट्टी भरा हुआ है। क्या करते हैं खाद को? क्या करते हैं, वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाते हैं, बेचते हैं। हाँ, किसान यही खरीदते हैं? हाँ, किसान खरीदते हैं। अच्छा, गोबर भी यहाँ खरीदते हैं? हाँ, गोबर भी खरीदते हैं। अच्छा, जितना ये गोबर है ना, उसका इसको फिर ऊपर इकट्ठा करेंगे, वहाँ वर्मी कम्पोस्ट खाद बना ना, उसी में डालेंगे पूरा। और गोबर खरीदते भी है लोग? हाँ, बेचते हैं, बेचते हैं, बेचते हैं, किसान बेचते हैं, किसान बेचते हैं। कहाँ पे? यही बेचते हैं। अच्छा, करके सब बाकी और क्या माहौल है इधर चुनाव का? इस बार किसका जोर ठीक है? चुनाव का तो जीतेगा, बाकी आप तो पहले बता दें, इनसे भी पूछ लें तो। नहीं, जो भैया जी का जोर है, नरवा गुरवा बारी भैया का जो काम किया ना, जमीनी से काम किया है, वो भैया का बहुत अच्छा है। जो किसान के लिए काम किया है ना, जो अभी कर्ज माफी है, इसी में मुद्दा है पूरा टोटल। कर्ज माफी से मामला पलट रहा है? हाँ, पलट रहा है पूरा, कर्ज माफी में पूरा। अरे, बीजेपी जो धान का रेट दे रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका जो काम किया जमीनी से ना, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। आप क्या करते हो भैया? मैं दुकान खोलता हूँ। दुकान काहे की दुकान है? अंडर रोल का है? अंडर रोल। अच्छा, अंडर रोल। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की? 12वीं। 12वीं, आगे नहीं? आगे नहीं। ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है सबको दादा? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, जो पंजीयन किया है ना? हाँ, जो पंजीयन है ना, पंजीयन क्या? पंजीयन क्योंकि मेरा पीएफ करता था ना, और काम करता था, इसीलिए नहीं। हाँ, मैं और प्लस ड्यूटी भी है मेरा। अच्छा, हाँ। वो नहीं बता रहे मेन चीज, देख रहे? दोनों है, बता दे रहे हैं। दोनों है साथ में। क्या ड्यूटी क्या है उसको बताओ? सिक्योरिटी गार्ड का भी ड्यूटी है, और शाम को अंडर रोल का। हाँ, तो ऐसे बताओ, एक काम छुपा लिया, ऐसा लगा ईटिक छापा ना पड़ जाए। दोनों काम बता दूंगा तो ईटिक छापा ना पड़ जाए। बोले सही बात। तो मतलब वहाँ नौकरी करते हो इसलिए आप नहीं भरे? नहीं, हाँ, नौकरी करते। बाकी मिल रहा है आपके जान पहचान में? मेरे पड़ोसी लोग को मिलता है बेरोजगारी भत्ता। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो भूमिहीन है उनमें तो इनको कौन? भूमिहीन भूमि हम हमारा भी है। आपको मिल रहा है भूमिहीन वाला? कितना आ रहा है अभी तक? तीन किस्त में करके ना पूरा पैसा आ चुका है, 16,000 से ज्यादा पैसा आ चुका है ये 5 साल में। हाँ, नहीं 5 साल में नहीं, अभी चालू के है ना, 3 साल में डाला है ना। 16,000 अच्छा, मतलब बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, सारा योजना, सारा योजना का लाभ यहाँ मिला, हर किसी को मिला। यहाँ भूमिहीन का पैसा 80 लोगों को मिलता है हमारे गांव में। अच्छा, 80 लोगों को भूमिहीन का पैसा मिलता है अपने क्षेत्र में? हाँ, अपने क्षेत्र यहाँ। मतलब कहाँ, पाटन में कि? नहीं, ये सिर्फ खमहरिया गाँव में। खमहरिया गाँव? हाँ, खमहरिया गाँव में। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ सारे बेरोजगारों को वो भी मिल रहा है? वो भी मिलता है। विकलांग वाले में कैटेगरी से? विकलांग वालों को अभी 500 हो गए। हाँ, उनका पेंशन भी बढ़ा है ना, वृद्धा पेंशन बढ़ा है। मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है, बिल्कुल। मेरा भाई खुद विकलांग है, अभी पैसा उठा के लाया 1,000। अच्छा। हाँ, 2 महीने का वो। अरे वाह, उसको तो भूपेश बैल का भी 1,000 रुपए देता है। हाँ, काम की हमारे साथ खाता में आता है।
पारिवारिक रिश्ता है। गांव के हर किसी को ना, हर किसी को सबको नाम से पहचानता है, नाम से पहचान दिख जाएगा, वो आ जाएगा ना तो नाम से बुलाएगा, किसी को ऐसे वैसे नहीं बुलाएगा, नहीं सीधा नाम से बुलाएगा। अच्छा, व्यवहारिक आदमी, एक एक आदमी है। हाँ, नाम का लड़का भी बोलता है कि नहीं बाबा ऐसे, मतलब बाबा जी थे वो। अच्छा, चेतन बघेल। अब हम जाते थे, हमारा भी स्वागत करते, बेचारा बैठेंगे, मस्त बैठाएगा, चाय पानी पिलाएगा, अरे का तकलीफ बताओ, ऐसे सिराए दादू तकलीफ, उस स्वागत करते थे, खा जाओ जाओ, तुम्हारा खाता लाओ, तुरंत भर देते वो। अच्छा, आज भी अब भाई अपने गांव है, अपने गांव को। और क्या क्या किया विकास के लिए? विकास के लिए तो इतना किया है भूपेश भैया, बता दो। छत्तीसगढ़ में तो अभी तक कोई नहीं किया। हाँ, क्या क्या किया? बहुत सारा विकास का काम किया। जैसे बताते जाओ ना। जैसे मैं युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब के तहत गाँव गाँव में कम से कम 20 से लेकर 40 युवाओं को मौका दिया गया है, जो सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। उसके तहत हम लोग बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करते हैं, मतलब बहुत सारा खेल गतिविधि होता है, सामाजिक गतिविधि होता है, पर्यावरण गतिविधि होता है, उसी के राजीव मितान के क्लब यहाँ पाटन के क्षेत्र में, यहीं हर गांव में, हर गांव में है। इधर नहीं, उधर बस्तर में नहीं होता ना, हर गांव में है। मैं बस्तर से आया हूँ। हाँ, तो उधर नहीं होता, इसलिए मैं बोला इधर होता है। राजीव मितान के क्लब से ना हर सालाना 1,00,000 रुपए का उसमें आता है, हर एक युवा मितान क्लब के खाते में, ऐसा ना। हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात है। और भूपेश बघेल का तो पैदाइश गांव है ना? हाँ, ये कुरुड्डी, कुरुड्डी में है ना, यही। हाँ, पैदा हुए थे। हाँ, यही पंचायत है उनका। तो पंचायत, यही पंचायत है। हाँ, यही वोट डालने वो यही आएगा, यही आएंगे वोट डालने, कुरुड्डी में ही आएगा। अच्छा, कहाँ पे? ये बगल में है, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ, 1.5 किलोमीटर वही आते हैं। हाँ, सबसे पहचानते हैं, सब बढ़िया माहौल। हाँ, सब बढ़िया है। और उनका ये दादा लोग नहीं बताए। ठीक है, उनको तैयारी करना चाहिए भैया, विजय बघेल के लिए सांत्वना है, उनको तैयारी करना चाहिए। काहे का? पार्षद वगैरह का, सांसद का नहीं? नहीं, सांसद नहीं, पार्षद का करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया सांसद, अब खत्म उनका। अच्छा, अब इस बार विधायक ही जाएगा ना, तो उनको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। हम लोग भी साथ दे देंगे, चलो पार्षद वार्षद बना देंगे एक आध बार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पार्षद सांसद, फिर सांसद कैसे बना दिए? सांसद नहीं बनेगा ना, वो सांसद अब इसमें आया ना, विधायक में। अब उनको ना वही एक तो पंच का, या फिर अगर गांव से लड़ेगा ना तो पंच से, शहर से लड़ तो पार्षद से लड़ना चाहिए उनको। ऐसा, उसके आगे नहीं सोचना? नहीं, उनके आगे सुनिए, हो गया उनका। क्योंकि 5 साल में एक बार शायद दिखाई दिए थे, एक बार खाली फोटो में देखे थे। अच्छा, उसके बाद बीच में आया नहीं कभी। उसके बाद नहीं आया। बाकी माहौल दाऊ का ठीक है? दाऊ का ठीक है, ठीक है। 75 पार है इस बार, 75 पार है। उसको सांसद बना लो ना, उसको सांसद बना लो ना। भूपेश बघेल का हाथ था कैसे? वही ने उसका पूरा सम्मान किया था, वो ताम्रध्वज साहू। हाँ, तब बना नहीं, नहीं बन पाते, मतलब भूपेश बघेल उनको। हाँ, उसको, क्योंकि काका भतीजा है वो, वो वो जब नहीं, वो जब नहीं करते ना, वो ताराचंद साहू, वो नहीं जीत पाते विजय बघेल। अच्छा, उसको तो वही बनाया है, चंद्राकल को हरवाया भाई, वो खास पुराना सांसद था वो भी। हाँ, ताम्रध्वज साहू तो मृत्यु हो गया था बेचारे का, उसका लड़का। किसका मृत्यु हो गया था? ताम्रध्वज साहू का। वो तो जिंदा है क्या? नहीं नहीं, ताम्रध्वज साहू ने वो पुराना सांसद था। अच्छा, हाँ पुराना। अरे दादा, ताम्रध्वज मत बोलो, ताराचंद। आप ताम्रध्वज बोल रहे हो? हाँ, तो ताम्रध्वज मंत्री है, ताम्रध्वज जिसका इसका सपोर्ट किया भूपेश, तभी तो सांसद बने, नहीं खाक नहीं बन पाते। अच्छा। हाँ, नहीं तो सफाचट हो जाते। ऐसा? हाँ जी, बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। भूपेश बघेल जी का इलाका है, उनका पैदाइश गांव है, और वहाँ के लोग। हाँ, तू बता 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 दादा बता। तो मेरा लड़का ना आईटीआई करे है, बड़े वाले रूपेश बघेल जी, वो है मतलब डीजल मैकेनिक का। उसका कोई रोजगार नहीं मिला है? कोई रोजगार नहीं मिला है? रोजगार नहीं मिला है? हाँ, कैसे? मैं वो रोजगार के बारे में कोई फार्म नहीं भरा है, और वो पेंटिंग काम में जाता है। हाँ, उसको 350 रुपये तो उसका गाड़ी मोटर का कट जाता है। हाँ, 250 मिलता है। हाँ, उसके बाद मेरा बड़े गुड्डू है, छोटे गुड्डू जाता है। हाँ, दुष्यंत बघेल। हाँ, वो हर मतलब वो भी पेंटर है, बोला 300-400 रुपये उसको रोजी मिलता है, मतलब रोजी कमाता है, जो काम रोजी कमाता है पेंटिंग। अच्छा, काम में। अच्छा, वो भी। और मैं तो मजदूर हूँ, किसान, कृषि हूँ मैं। 1 एकड़ मेरे खेत है, 97 डिसमिल, 97.5 डिसमिल। सुने भैया? अब उसके बाद मेरा लड़की ना अभी
मतलब पहला कॉलेज कर चुका है, उसके बाद वो अभी कंप्यूटर कर रहा है मोतीपुर में, ये मोतीपुर ये दे अपन पड़ोसी गांव में, अब उसके बाद फाइनल करने वाला है मेरा लड़की। हाँ तो उसका हमारा रोजगार, तीनों लड़के का रोजगार दे भर भैया ला काका ला मंगा सन हमारे भूपेश काका ला मिल जाएगी, मिल जाएगी। नहीं पूछ रहा हूँ मिली कि नहीं मिली, भरोसा है? मिल ही, सब तो बोल रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश भैया दी भूपेश का कहा तब मिल ही। हाँ। और तोड़ दुआ से तहु देवाबे तब मिल ही। हाँ। ते देवाबे तब मिल ही। और भूपेश का दिवाही तब मिल ही, तब मिल ही। और मैं हाँ किसान और मजदूर है हूँ मैं अमरदास बंधेल, अमरदास बंधेल, अमर बंधेल, छोटे किसान, छोटे किसान, ये 97.5 डिसमिल मोर जमीन है। ठीक है, ठीक है दादा, अब गलत बोले हूँ तो क्षमा मांगा था भैया, झंडा धर के क्षमा मांगा था। भूपेश बघेल जी का इलाका है और ये गौठान में मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पे एक गाय मरी हुई पड़ी हुई थी और ये पूरा इलाका खाली था। जब मैं आया तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, ये लोग कांग्रेस के बहुत अच्छे समर्थक लग रहे हैं मुझे और इन्होंने पूरी बात रखी कि नहीं यहाँ पे और गाय जो जानवर हैं वो रहते हैं, जो गाय की मौत हुई है वो इसलिए मौत हुई क्योंकि आज उसको सांप ने काट लिया है। चाचा मत बोलो दादा, मैं बहुत आपके बच्चे के समान हूँ। वीडियो में बातचीत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।